थोड़ा सा रिव्यू था जो मैंने कर दिया है अपनी जुबान में आप लोगों के साथ। और मेरे वीडियो का मतलब किसी को हर्ट करना या किसी को टेस्ट पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है, कि बस मैं ऐसे पन के लिए रिव्यू दे रहा हूं कि मैं रिव्यू भी अपना प्रूव कर सकूं। और प्लीज अगर ये कोई देख लेना इसमें से किसी का फैन हो तो यार प्लीज हर्ट ना हो, ये मैंने ऐसी मजाक में बोल दिया है जो भी बोला है। यार मैंने बहुत से सॉन्ग देखे है ना, मतलब लिरिक्स बहुत कमाल के होते है, लेकिन वीडियो देख लेना तो कुछ और ही कहानियां सुनाती है वीडियोस। ये गाना भी मैंने, मतलब ये सॉन्ग भी मैंने पहले सुना था लेकिन ऑडियो में ही सुना था, मैंने ऐसी वीडियो में लगा दिया, मैं स्टोरी को बिल्कुल नहीं समझा यार कि कभी मार्वल वाली दिखा रहे हैं तो कभी कॉबॉय वाली दिखा रहे हैं। इसलिए मैंने सोचा यार इसकी कोई अच्छी सी रिव्यू करते हैं, तो मैंने ये कोशिश की है रिव्यू की, शायद आपको पसंद आए ना आए मुझे नहीं पता। हेलो बडीज, तो आज हम रिव्यू वीडियो बनाएंगे हॉलीवुड सॉन्ग है इंडिया का बिजली बिजली। आप सबने सुना होगा यार, 3 करोड़ से ज्यादा व्यूअर्स आ चुके हैं उस पे। मैं रिव्यू करने वाला हूँ उस सॉन्ग की, तो मस्ट वॉच, क्योंकि मैं रिव्यू करने वाला हूँ अपनी मर्जी का, तो भाई समझ जाओ। वीडियो के स्टार्ट में ही हमें एक तरफ नासिर खान जान अपने लोंडो समेत और दूसरी तरफ द लीजेंड नोमान खान बैठा हुआ है, जुआ खेल रहे। मजाक था भाई। यार वीडियो के स्टार्ट में ही हमें दो जुएबाज नजर आते हैं, एक शेल्बी के फैमिली का और दूसरा काउबॉय का रिश्तेदार। शेल्बी का कदन जीतते हुए काउबॉय के लोंडे को मुक्का देता है और कुछ इन लफ्जों का प्रयोग करता है और दूसरे है सीन में देखने को मिलता है तार की दूसरी बहन जो मार्वल वालों की बजट की नहीं थी, और इन मार्वल वालों के पास तो ऐसा जादू है जो बंगाल में भी नहीं मिलता। ऐसे तो नहीं होता है। भाई जख्म भी ठीक और मौसम भी सुहाना, यही होता है मार्वल वालों का जलवा। यार हमें वीडियो में मिलता है कि टच करते ही यार उसे बिजली के झटके लगना स्टार्ट हो जाते हैं, अजीबो गरीब हरकतें कर रहा है वीडियो में। ऐसे तो नहीं होता है। ये सारे सीन कमी थे के उसने यार एक और जादू कर दिया। कौन है ये लोग? देखा आपने, लापरवाही का नतीजा है। काफी देर तक बिजली के झटकों में लगा हुआ है और एक और भी सीन होता है यार, वो शॉट वाला देख ले। एकदम से गेटअप सारा चेंज, मतलब वही वो काउबॉय बन गया बर्गर बॉय। और वीडियो में बहुत ही ज्यादा बंगाली टोटके यूज हुए हैं, नहीं वो कुछ कह देता है ऐसे ऐसे करके कुछ कह देता है, बट हमें थोड़ी समझ आना है। इतने में तार की दूसरी बहन उसका हाथ पकड़ लेती है और अपना जादू शादू दिखाती है और उसे कहता है कि मुक्का मारो। मुक्के वाले का बंदा आ गया जाता है क्योंकि भाई उसने भी तो मार खाना है। इतने में तार की बहन फिर से अपने जादू टोने से उसे भी एक पीछे धकेल देती है और फिर बड़ी हरामी नजरों से एक दूसरे को देखते हैं। हे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। फिर दोनों हाथों में हाथ लेके भाग रहे होते हैं और फिर वीडियो में दोनों पटे हुए कपड़े पहन के चले जाते हैं, किसी रेड़े के पास बैठ जाते हैं और कुछ टाइम के लिए फिर दोनों को झटके लगे होते हैं बिजली के और फिर से ड्रेस चेंज। लेकिन इस बार ट्विस्ट भी बहुत बड़ा है क्योंकि यार सॉन्ग का बजट बहुत ज्यादा था, तो वो अब वो नाले में शूट कर रहे हैं, क्या क्या करते हैं, कौन से टोटके करते हैं, कौन से जादू मादू टोने करते हैं, और वो बहुत ही पारी बंदे हैं और नाले में खड़े होके वो पानी को लाते मार रहे हैं। और फिर पीछे से एक आर्मी आ जाती है, वो भी औरतों की, औरतों की आर्मी आ जाती है, नाले में एक साइड भागती है दूसरी साइड भागती है और वो उंगली दिखाता है ऐसे 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 और कुछ टाइम के लिए फिर वहाँ इतनी बदबू हो जाती है कि मतलब हर कोई मास्क पहन लेता है लेकिन इन दोनों को कुछ फर्क नहीं पड़ता इनसे, खुद तो पारे ही है, अब सारे मोहल्ले को भी अपने साथ ले लिया। और अभी तक सिर्फ गर्ल्स की आर्मी ही नाले में एक तरफ दूसरी तरफ भाग रही थी, अब बजट ज्यादा हो गया तो शायद लगता है कि अब लड़के भी आ गए हैं और लड़के भी वही सेम हरकत कर रहे हैं, एक साइड भाग रहे हैं दूसरी साइड भाग रहे हैं। और इतना बजट लो हो जाता है कि वो फिर नंगा ही आता है, सिर्फ जीन्स पहनी होती है और शर्ट मर्ट सब कुछ गायब, मतलब लगता है कि अब डायरेक्टर के पास जो थी वो उसकी दी एंड होगी, पहले पीकी ब्लेंडर्स और काउबॉय से स्टार्ट करके खुद आखिर में नंगे ही हो गए, मतलब शर्ट मर्ट नहीं पहनी है। मैं अमीर हूँ, बहुत पैसा है मेरे पास। और आखिर में आ जाते हैं असलियत पे, जो कर सकते थे तो कर दिए उसने वो हरकत। ओ चन्न दी कुड़ी बदला दी पैण सर ते आहा आहा नचिया बिजली बिजली कैण जिदे उत गिरदी बचदा भी कख नहीं।
थोड़ा सा रिव्यू था जो मैंने कर दिया है अपनी जुबान में आप लोगों के साथ। और मेरे वीडियो का मतलब किसी को हर्ट करना या किसी को टेस्ट पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है, कि बस मैं ऐसे पन के लिए रिव्यू दे रहा हूं कि मैं रिव्यू भी अपना प्रूव कर सकूं। और प्लीज अगर ये कोई देख लेना इसमें से किसी का फैन हो तो यार प्लीज हर्ट ना हो, ये मैंने ऐसी मजाक में बोल दिया है। जो भी बोला है यार, मैंने बहुत से सॉन्ग देखे हैं ना, मतलब लिरिक्स बहुत कमाल के होते हैं, लेकिन वीडियो देख लेना तो कुछ और ही कहानियां सुनाती है वीडियोस। ये गाना भी मैंने, मतलब ये सॉन्ग भी मैंने पहले सुना था लेकिन ऑडियो में ही सुना था, मैंने ऐसी वीडियो में लगा दिया। मैं स्टोरी को बिल्कुल नहीं समझा यार, कि कभी मार्वल वाली दिखा रहे हैं तो कभी काउबॉय वाली दिखा रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा यार इसकी कोई अच्छी सी रिव्यू करते हैं। तो मैंने ये कोशिश की है रिव्यू की, शायद आपको पसंद आए ना आए मुझे नहीं पता। और एक बार पहले भी मैंने रिव्यू का ट्राई किया था तो उसमें मेरी आवाज ऐसी आ रही थी कि बस मुझे वो मजबूरन वो वीडियो हाइड करनी पड़ी। और अगर शायद आपको पसंद आ जाए तो फिर मैं दूसरी भी बनाऊं, तीसरी भी बनाऊंगा, लेकिन अगर शायद अगर आपको पसंद आ जाए, और ना आए तो फिर भी लाइक कर देना। तो सी यू गाइस, बाय बाय।